हेलो नमस्कार, मैं राजेंद्र जोधपुरिया, साइकोलॉजिस्ट काउंसलर, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लोग अक्सर शिकायती रवैये में कहते हैं, लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि जीवन में सफलता के लिए, जीवन में खुशी के लिए, समृद्धि के लिए किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है। किस्मत के बगैर, भाग्य के बगैर हम उतना नहीं कर पाते जितना कर सकते हैं। जीवन हमारे चुनावों का परिणाम है, परिस्थितियों का नहीं है। लाइफ इज ए प्रोडक्ट ऑफ अवर डिसीजन नॉट कंडीशन। जो निर्णय हम लेते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। अगर हम कुछ बनने का निर्णय लेते हैं, कुछ पाने का निर्णय लेते हैं तो ये एक डिसीजन है। अगर हम कुछ नहीं करने का निर्णय लेते हैं तो ये भी अपने आप में एक निर्णय है। जो निर्णय हमने पास्ट में लिए, भूतकाल में लिए, वो आज हम वर्तमान के रूप में उसमें उपस्थित हैं। जो हमारा पास्ट था वो आज हमारा प्रेजेंट है, वर्तमान में है। जैसे निर्णय हमने पास्ट में लिए वैसा हमारा वर्तमान बनता है, और जो निर्णय हम वर्तमान में ले रहे हैं वैसा हमारा भविष्य होगा, वैसा हमारा आने वाला फ्यूचर होगा। हम अगर किसी चीज को बदलना चाहते हैं उस चीज को या खुद को तब तक नहीं बदल सकते जब तक हम बदलने का निर्णय ना ले लें। तो निर्णय ही हमारे जीवन की राह तय करते हैं, निर्णय ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम वर्तमान जीवन में खुश नहीं हैं, वर्तमान जीवन में बहुत सारी समस्याओं को हम फेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन समस्याओं का आमंत्रण का निर्णय भी तो हमारा हो सकता है। इस निर्णय शक्ति की गहराई से पड़ताल करें, निर्णय को समझें। एक कहानी से ये बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। एक बहुत बड़े मेहर का इंटरव्यू था। इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने इतना अच्छा कर दिया, आप इतने अच्छे बन गए, आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है? मेहर साहब ने बताया, मेरे फादर ड्रिंकर थे, शराब पिया करते थे, हर प्रकार का ऐब उनके अंदर था। वो चोरी भी किया करते थे, घर में झगड़ा भी किया करते थे। मैंने उस दिन से ही सोच लिया कि मुझे पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनना है, कुछ कर दिखाना है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं बनना है, और मैंने आज ऐसा कर दिया। संयोगवश उस दिन एक क्रिमिनल का भी इंटरव्यू था जिसको फांसी होने वाली थी। जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू के दौरान उस क्रिमिनल से पूछा कि आपने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, आपने खुद के जीवन को भी तहस नहस किया और बाकियों की जिंदगी में भी आपने बहुत सारी परेशानियां डाली और दूसरे लोगों को आपने परेशान किया, आपने ऐसा क्यों किया? तब उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा अपने पिता के कारण किया। मेरे पिताजी शराबी थे, चोरी किया करते थे, हर प्रकार का ऐब उनके अंदर था, मैं इसके अलावा और कर भी क्या सकता था। मैंने उनसे दो कदम आगे बढ़ा दिए, मैंने उनसे और अधिक कर दिया। और खास बात यह थी कि वो दोनों मेहर और क्रिमिनल आपस में भाई थे। आप क्या बनते हैं ये आपका ही चुनाव है। एक इंसान ने घर की परिस्थितियों से सबक लेकर बहुत बड़ा और कामयाब होने का निर्णय लिया और वो मेहर के रूप में कामयाब हो गया, और दूसरे इंसान ने घर की परिस्थितियों और हालात को मद्देनजर रखते हुए कुछ बुरा करने का, क्रिमिनल बनने का निर्णय ले लिया और वो वैसा ही कर गया। आज अगर हम जिस भी सिचुएशन के अंदर हैं, जिस भी हालत के अंदर हैं, उसके पीछे हमारे लिए गए निर्णय हैं, हमारे लिए गए डिसीजन हैं। हम हर वक्त कुछ न कुछ डिसीजन लेते ही रहते हैं। हम दूसरों को दोष देने का डिसीजन ले सकते हैं, किस्मत को ब्लेम करने का डिसीजन ले सकते हैं, भाग्य को दोषी ठहराने का निर्णय ले सकते हैं। उसी वक्त हम दूसरा निर्णय भी ले सकते हैं कि मैंने जो किया उसका जिम्मेवार और कोई नहीं, मैं खुद हूं। कहीं न कहीं कमी मेरे अंदर ही रही है और अगली बार मैं उन कमियों को, उन इम्प्रूवमेंट एरिया को इम्प्रूव करके आगे बढ़ूं ताकि मेरा आने वाला कल अच्छा हो, उज्जवल हो। तो वो इंसान अच्छा ही कर जाता है। तो हम कुछ नए करने का भी निर्णय ले सकते हैं, कुछ करने का भी निर्णय ले सकते हैं। आज अगर हमारे जीवन में
तरह तरह की समस्याएं हैं, तो कहीं ना कहीं इन समस्याओं का चुनाव भी हमारा ही था। अगर आज जीवन में हम खुश हैं, शांति हमारे जीवन में व्याप्त है, तो इस शांति और इस खुशहाली का निर्णय भी हमने किया था। तो जब तक हम निर्णय शक्ति को नहीं समझेंगे, हम आगे लाइफ के अंदर बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो आज से ही हम छोटे छोटे निर्णय लेने स्टार्ट करें, खुद के बदलाव के निर्णय, खुद को समझने के निर्णय, खुद के अच्छे भविष्य के निर्णय हम ले सकते हैं। तो आज हम कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, आज हम किताबें पढ़ने का निर्णय ले सकते हैं, आज हम किसी की बुराई करने का भी निर्णय ले सकते हैं, आज हम टीवी में 2 घंटे खराब करने का, ऐसे सीरियल देखकर जिन सीरियल का हमारे जीवन में कोई खास महत्व नहीं है, वो निर्णय भी ले सकते हैं। आज हम कुछ मोटिवेशनल वीडियो, कुछ कहानियां, कुछ आदर्श लोगों से मिलने का भी निर्णय ले सकते हैं। हम किसी को दोष देने का, उनके अंदर कमियां ढूंढने का भी निर्णय ले सकते हैं। हम किसी के अंदर अच्छाई या किसी को मोटिवेट करने का निर्णय भी ले सकते हैं। तो निर्णय शक्ति हमारे हाथ के अंदर है, किसी किस्मत के भरोसे हम ना रहें। जो इंसान निर्णय खुद नहीं लेते, वो हमेशा दूसरों के निर्णय का इंतजार करते हैं और उनका जीवन वैसा ही बनता है जैसे लोग उनके जीवन की राह तय करते हैं। अगर जीवन की कमान पूरी तरह से हम खुद संभालना चाहते हैं, तो आज से ही अपने जीवन की जिम्मेवारी लें, जीवन को बदलने का निर्णय लें, कुछ भी अच्छा करने का छोटा सा एक निर्णय लें। आज आपने इस वीडियो को पूरा देखने का निर्णय लिया, ये भी आपका ही निर्णय लिया। बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ सेकंड देखा, कुछ मिनटों के बाद स्किप कर दिया, ये भी निर्णय उन्हीं का था। तो आज से ही इस निर्णय के ऊपर निर्णय जरूर लें। थैंक यू, धन्यवाद।